आम आदमी पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब जोरों शोरों से शुरू कर दी है। उनके कार्यकर्ता इन दिनों बीकानेर की सड़कों पर आपको दिखेंगे, वो भी झाड़ू लगाते। उनका नारा है कि झाड़ू लगाओ और देश बचाओ। इस तरह के नारे लगा करके वो लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि 15 तारीख से 25 तारीख तक झाड़ू चलाओ, बेईमान भगाओ यात्रा का हम संचालन कर रहे हैं, जिसमें जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है संसद में, विधानसभा में, उन सभी को जैसे घर से कचरा साफ किया जाता है वैसे उनकी सफाई करनी है और उनको संसद से आउट करना है। हमारा उद्देश्य है कि संसद के अंदर एक भी आदमी भ्रष्टाचारी न जाए, इसलिए जनता से हम मेरी अपील है और केजरीवाल जी की अपील है कि संसद के अंदर एक भी भ्रष्ट, अपहरणकर्ता, चोर और डकैती और बलात्कारी नहीं आना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का सच सबके सामने है। केजरीवाल ने केवल और केवल गरीब और अनपढ़ जनता को एक हिप्नोटाइज किया है। इसके अलावा उन्होंने हर बात पर जब जनता का समर्थन लेकर निर्णय लेने की बात की, परंतु जब इस्तीफा दिया तो जनता से कुछ नहीं पूछा गया। जनता को एक ऐसा मैसेज डाला गया कि आप पार्टी की आपातकालीन बैठक में आप इस कार्यालय में पहुंचे, तो ये सरासर दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। दिल्ली की जनता केवल 48 दिनों में अराजकता के माहौल में रही। उनको जो वादे किए वो वादे ऐसे थे जो आम नेताओं से हटकर थे, इसलिए जनता ने उन पर विश्वास जताया, परंतु वो उन वादों को कतई पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको ऐसा मौके की तलाश थी। उस मौके में जन लोकपाल, जब लोकायुक्त दिल्ली में है तो जन लोकपाल की क्या जरूरत है। भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो भी तमाम उनको कार्यक्रम करने चाहिए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी खुल के कहा है कि हम आपके साथ हैं, परंतु मैदान छोड़ के भागने वालों के पीछे जनता के साथ क्या बीता है, उन जनताओं के विकास के, उन जनता के दुख दर्द को उसने बिल्कुल नहीं सोचा है, तो वो जनता का हितैषी केजरीवाल कभी नहीं हो सकता। इनका ये अभियान कितना सच कारगर साबित होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। श्री गोपाल व्यास, जानो दुनिया, बीकानेर।